पितरों की आत्म शांति हेतु वर्ष में एक बार मनाए जाने वाले श्राद्ध पक्ष की आज एकादशी तिथि पर केंद्रीय जेल भैरोगढ़ उज्जैन में कैदियों द्वारा तर्पण किया गया। श्राद्ध पक्ष उज्जैन नगरी में किए गए तर्पण व दान पुण्य का अति महत्व है, इसीलिए यहां जेल अधीक्षक द्वारा कैदियों से विधि विधान से तर्पण करवाया गया। तर्पण में 100 से अधिक पुरुष और महिला कैदी शामिल हुए। धर्मशास्त्रों में अवंतिका नगरी के नाम प्रख्यात उज्जैन शहर में श्राद्ध पक्ष के दौरान तर्पण व दान पुण्य करने से पितरों को आत्म शांति मिलती है। वैसे तो मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तटों पर श्रद्धालु अपने पूर्वजों के लिए तर्पण व पिंड दान करने आते हैं, परंतु यहाँ जेल में बंद कैदी भी इस धार्मिक काम से अछूते नहीं रहे। इसीलिए केंद्रीय जेल के अधीक्षक अलका सोनकर ने कैदियों के लिए यही तर्पण की व्यवस्था की। जेल में पंडितों को बुलाया गया और तर्पण से संबंधित समग्र पूजन सामग्री मंगवाई गई। 100 से अधिक महिला और पुरुष कैदी इस तर्पण कार्य में शामिल हुए। पंडित ने मंत्रोच्चारण से तर्पण की शुरुआत की। कैदियों ने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पितरों के निमित्त आटे के छोटे छोटे पिंड बनाए और उन पर विधि विधान से कुमकुम दूध जल और पुष्प अर्पित किए। सभी कैदियों ने खुद के द्वारा की गई गलतियों की माफ़ी मांगी और पूर्वजों की आत्म शांति की प्रार्थना की। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। चूँकि ये पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं और यही एक ऐसा दिन होता है जिस समय में जो है अपने पूर्वजों के प्रति हमारे मन की आस्था को हम व्यक्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति बाहर है वो कहीं पे भी जाकर के अपने पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ कर सकता है, पर ये हमारा प्रयास रहा है कि पिछली बार से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है और श्याम पंडित जी और हमारी ये सोच रही है कि जेल के अंदर जो बंदी बंद है, क्योंकि हम महाकाल वन क्षेत्र में हैं, इसीलिए सिद्धवट के अंतर्गत आते हुए ये क्षेत्र जो है यहाँ से भी पितरों के तर्पण का कार्यक्रम किया जा सकता है। इसी सोच के साथ जो मेरे बंदी भाई यहाँ परिरुद्ध हैं, उनके जो भी पूर्वज आज इस धरती पे नहीं हैं, उनके मोक्ष के लिए, उनकी शांति के लिए हम यहीं से ही उनके पूजा का एक आयोजन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बस केंद्रीय जेल उज्जैन में हमने पिछली बार शुरू किया था और ये द्वितीय वर्ष है जब हम इसको कर रहे हैं। यहाँ के अधिकृत तीर्थ पुरोहित थे, हमने देखा सिद्धवट पर जाने कहाँ कहाँ से लोग आकर के पितरों के निमित्त तर्पण कर रहे थे। यहाँ इस दीवार के पीछे इन लोगों की क्या व्यवस्थाएं होती है, क्या भावना रहती है इनकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए गत वर्ष, ये हमारा द्वितीय वर्ष है, गत वर्ष हमने यहाँ आदरणीय जेल अधीक्षिका श्रीमती अलका सोनकर जी से निवेदन किया था। बहुत सहज रूप से उन्होंने उसको स्वीकार किया और जब हमने यहाँ गत वर्ष पूजन किया उसका परिणाम ये रहा कि इस वर्ष बंदी भाइयों ने आगे रह करके मैडम से, जेल अधीक्षिका जी से, दीदी से कहा और इन्होंने, दीदी का फ़ोन आया हमारे पास कि पंडित जी इस वर्ष भी बंदी भाई चाह रहे हैं पितरों के निमित्त उसी तरह से श्राद्ध तर्पण करना। उसी क्रम में आज हमने यहाँ बंदी की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए पितरों के शुभ आशीर्वाद के लिए, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए यहाँ पर बिठा करके सभी का सामूहिक श्राद्ध तर्पण एक करवाया है। हाँ जी बिल्कुल, अगर जातक की कुंडली में अगर पितृ दोष हो तो इससे पहले हमने यहाँ बंदी भाइयों को सभी चीज़ों से अवगत करवाया था और बिल्कुल ऐसा योग होता है, अगर जातक की कुंडली में पितृ दोष हो तो उन्हें जेल योग भी भोगना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।